अगर अभी तक की योजना के मुताबिक सब कुछ सही रहा तो विपक्ष अगले 10 दिनों में राष्ट्रपति का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर देगा। अनौपचारिक तौर पर सभी प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार की सहमति बन चुकी है। रही सही कसर 15 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली विपक्षी नेताओं की हाल के दौर में होने वाली सबसे बड़ी बैठक में पूरी कर ली जाएगी। साझा उम्मीदवार घोषित करने को लेकर सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता न सिर्फ एकजुट हैं बल्कि एक साझा प्रत्याशी के लिए भी राजामंद हो चुके हैं। ऐसे में 15 जून को दिल्ली में सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ होने वाली महाबैठक राष्ट्रपति के चुनावों से पहले एक अहम बैठक मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर आम सहमति बनती है तो बुधवार को होने वाली देश के प्रमुख विपक्षी दलों की महाबैठक को लोकसभा के चुनावों की एकजुटता की नींव के तौर पर भी देखा जाएगा। बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली विपक्षी दलों की अहम बैठक राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रमुख विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं के मुताबिक योजना यही है कि सभी दल एकजुट होकर आम राय बनाएं और अगले 10 दिनों के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को घोषित कर दें। इसके लिए बाकायदा ममता बनर्जी और सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी दल पहले से ही एकजुट होकर एक राय बनाने में लगे हुए हैं। कई नेताओं के इस संबंध में कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा पहुंचे देश के एक एक प्रमुख वरिष्ठ नेता भी इस पूरे मामले में सबको एकजुट करने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ कि क्या सभी दल एक राय होंगे या नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में सभी दलों का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। ऐसे में सूत्रों की माने तो बुधवार को होने वाली महाबैठक के बाद अगले 10 दिनों के भीतर राष्ट्रपति का उम्मीदवार विपक्षी दलों की ओर से सामूहिक तौर पर घोषित किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए अलग अलग दलों के कुछ प्रमुख संभावित चेहरों की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब पर बुधवार को होने वाली बैठक के बाद बनने वाली आम राय ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 जून को दिल्ली में होने वाली इस बैठक के लिए 22 नेताओं को पत्र लिखा गया। इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव समेत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बुधवार को होने वाली बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी समेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, कश्मीर से प्रमुख राजनीतिक पार्टी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पवन चामलिंग समेत एनसीपी के मुखिया शरद पवार को बैठक में आमंत्रित किया गया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष एकजुट होने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस संबंध में शरद पवार, ममता बनर्जी समेत अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात की।